तो गाइस अजय देवगन की भोला मूवी रिलीज हो चुकी है और मूवी को डायरेक्ट भी अजय देवगन ने ही किया है। तो आइए करते हैं इसका भी रिव्यू। तो पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, जो कि बेस है मूवी का। और जैसा कि हमें पता है कि मूवी साउथ की हिट मूवी कैथी का ऑफिशियल रीमेक है और स्टोरी भी 90-95% सेम है कि भोला 10 साल जेल में सजा काटने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में IPS दियाना यानी तप्पो जी भोला को रोक लेती हैं और उसे 40 घायल पुलिस ऑफिसर से भरा ट्रक हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कहती है। लेकिन भोला के मना करने के बाद भी वह उसे मनाती है और फिर कैसे दोनों ये काम करते हैं, मूवी इसी मुद्दे के आगे पीछे घूमती है। और मूवी का एक और ख़ास प्लॉट है जिसमें हमें भोला और उसके बेटी के बीच का इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है कि कैसे भोला अपनी बेटी के लिए मजबूत दिखता है और वक्त आने पर एक सीरियस आदमी भी बन जाता है। तो ये तो हो गया मूवी की स्टोरी के बारे में। तो अब बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की। तो मुझे तो इसमें पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लगी एक्टर्स की परफॉर्मेंस और ख़ासकर अजय देवगन और दीपक डोगरियाल की, क्योंकि दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स में जान फूंक दी है भाई। और दूसरा, मुझे मूवी को अलग बनाने वाले एक्शन सीन्स, भले ही एक्शन सीन थोड़ा 19-20 थे, बट जैसे कि मूवी का बजट 100 करोड़ है और जो सीन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की गई है उस हिसाब से ये ठीक था। तीसरा, मूवी के सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स जिन पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया है और कई सीन्स जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैमरा एंगल एकदम ही यूनिक था। तो अब बात करते हैं मूवी के कुछ माइनस पॉइंट्स की। तो सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया वो बिरयानी वाले सीन ने, क्योंकि उसे इतना अच्छे से स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं किया जितना ज़रूरी था। लेकिन वही कैथी में इस सीन की वाइब ही अलग थी कि कैसे उसमें दिल्ली प्लेट ना मिलने पर परात में चावल निकालता है और किस तरह एक अलग वेरिएशन में उसे खाता है, और यही छोटी छोटी डिटेल्स थी जो सीन को एक आइकॉनिक सीन बनाती हैं। और मुझे इसकी लैंग्वेज से भी शिकायत है कि UP की लैंग्वेज इतनी अच्छी है लेकिन मूवी में उसका यूज़ उतना अच्छे से नहीं किया। लेकिन हाँ, वहीं तब्बो ने UP एक्सेंट अच्छे से परफॉर्म किया था और जो मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा। तो कुल मिला के ये एक एक्सपेरिमेंटल रीमेक था और मैं देता हूँ मूवी को 3.5 star out of 5। और जिन लोगों को मास सीन्स और एक्शन देखना पसंद है तो उन्हें एक बार तो ये देखनी ही चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।